हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लोकेश भिदूरी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डिजाइनिंग नॉलेज। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक परगोलास के बारे में। आपने इनको अपने आसपास के घरों में जरूर देखा होगा। अगर आप प्लान कर रहे हैं गार्डन बनाने का या फिर टेरेस गार्डन बनाने का, तो परगोलास को वहां पर भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। चलिए जानते हैं आज परगोलास के बारे में कि इनको क्यों बनाया जाता है, किस तरीके से बनाया जाता है और क्या मेन पर्पस है इनको बनाने का, और क्यों आजकल परगोलास को बनाना एक ट्रेंड बन चुका है। और वीडियो के लास्ट में हम जानेंगे कि क्या इनका कॉस्टिंग होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले जानते हैं कि परगोलास होते क्या हैं। परगोला एक ओपन एयर स्ट्रक्चर होता है जो आपको घर के आउटडोर में देखने को मिलेंगे। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो पोस्ट या फिर कॉलम बोल दीजिए और क्रॉस्ड बीम से बना होता है। इनकी जो रूफ होती है वो मेनली आपको लैटिस शेप में मिलेंगी। लैटिस शेप यानी कि बीच बीच में आपको बस बीम्स देखने को मिलेंगे और बाकी का जो एरिया है वो आपको खाली मिलेगा। तो मेनली जो इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है उसको हम परगोला बोलते हैं। तो मोस्टली इनको वुड से बनाया जाता है और ये टेरेस गार्डन या फिर गार्डन में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। और इनको बनाने का जो मेन पर्पस होता है वो ये होता है कि आप एक आउटडोर में ऐसा एरिया क्रिएट कर रहे हैं जहां पर आप अपनी फैमिलीज और फ्रेंड्स के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके। परगोलास एक अफोर्डेबल और एक गार्डन के लिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लुक क्रिएट करने के लिए बहुत अच्छे हैं। और आर्किटेक्ट्स और डिजाइनर्स इनको दो कारणों से ज्यादातर यूज कर रहे हैं। पहला तो वो आपके घर की जो बिल्डिंग है उसकी हाइट को एक्सटेंड करने के लिए करते हैं कि मान लीजिए अगर आपका जो घर है वो टू स्टोरी का है और आप अगर इसको अपने घर के फ्रंट साइड पर बनाते हैं, वो विजुअली ऐसा दिखाई देता है कि जैसे आपका जो घर है वो थ्री स्टोरी का है। और दूसरा, परगोला बना लेने से आपके गार्डन में एक ब्यूटीफुल एलिमेंट ऐड हो जाता है। परगोलास को सिर्फ रेजिडेंशियल एरियाज में नहीं बल्कि इनको कमर्शियल एरियाज में जैसे कि रेस्टोरेंट्स में और आपके पार्क्स वगैरह में या फिर स्विमिंग पूल के एरियाज में भी बनाया जाता है। तो चलिए अब जानते हैं इनके कुछ टाइप्स के बारे में। मेनली आपके जो परगोलास होते हैं पांच टाइप के होते हैं, जिसमें से पहला है फ्री स्टैंडिंग परगोला जो ज्यादातर आपको देखने को मिलता है। इसके अंदर चार कॉलम्स बनाए जाते हैं। ये डिजाइन परगोलास का सबसे पुराना और सबसे ज्यादा पॉपुलर है। अगर आपके पास एक अच्छा खासा स्पेस है गार्डन में तो आप इसी वाले परगोला को बनाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। दूसरा है अटैच्ड परगोला। इस टाइप के परगोलास को ज्यादातर दीवार से अटैच करके बनाया जाता है, जिससे उनको एक साइड से सपोर्ट दीवार का मिल जाता है, दूसरी साइड उसमें हम कॉलम्स प्लेस कर सकते हैं। इस टाइप के परगोलास को ज्यादातर आपने देखा होगा अपने घर के एंट्रेंस पे या फिर फायर एरियाज पे या फिर जो मेन एंट्रेंस होता है आपके प्लॉट का, वहां पर भी ये देखने को मिलते हैं। थर्ड आता है हमारे पास आर्च्ड परगोला। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो और नॉर्मल परगोला से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि इसका जो रूफ होता है वो आर्च्ड शेप में होता है। और इस परगोला को मेनली एक बड़े वॉकवेज में बनाया जाता है या फिर पार्क्स वगैरह में आपने इस टाइप के परगोला को जरूर देखा होगा। इसकी जो रूफ होती है उसके ऊपर हम जो आपके प्लांट्स की बेल्स वगैरह हम चढ़ा देते हैं, इससे जब लाइट स्कैटर होती है तो वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लुक क्रिएट करता है। तो आर्च्ड परगोला मेनली आपके बड़े एरियाज में बनाने के लिए बने हैं। फोर्थ आता है हमारे पास लोवर्ड परगोला। अब ये परगोला सबसे ज्यादा फंक्शनल होता है। इस परगोला के अंदर हम कंट्रोल कर सकते हैं कि हमारी जो सनलाइट है वो हमें कितनी क्वांटिटी में चाहिए, क्योंकि परगोलास के जो विंग्स होते हैं वो हम क्लोज और ओपन कर सकते हैं या फिर हम उनको इस हिसाब से भी कंट्रोल कर सकते हैं कि आपको कितनी सनलाइट आपको परगोलास के थ्रू चाहिए और किस डायरेक्शन में आपको सनलाइट चाहिए, वो भी इन विंग्स के थ्रू कंट्रोल की जा सकती है। फिफ्थ आता है हमारे पास ऑनिंग परगोला। इस टाइप के परगोलास को मेनली वर्टिकल सपोर्ट की जरूरत नहीं होती है। ये मेनली वहां पर बनाए जाते हैं जहां पर आपने बेल्कनी नहीं बनाई है और आपके स्पेस में डायरेक्टली सनलाइट एंटर हो रही है, और वो जो आपकी सनलाइट है वो डायरेक्टली आपके स्पेस में एंटर ना हो उसके लिए हम परगोला को एक बेल्कनी जैसा बना देते हैं, जिससे सनलाइट और आपके घर की विंडो के बीच में एक लेयर ऐड हो जाती है और डायरेक्ट सनलाइट आपके घर के अंदर एंटर नहीं कर पाती। तो परगोलास में अगर डिजाइन वैरायटीज की बात करें तो बहुत तरीके की डिजाइन वैरायटीज इसके अंदर हैं। हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं परगोलास में, जैसे हम रूफ के ऊपर ग्लास लगा सकते हैं या हम MS में लेजर कटिंग करा के भी परगोला की छत को बना सकते हैं। ज्यादातर इनको लेटिस शेप में देखा जाता है और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हम इनके अंदर कर सकते हैं, जैसे कि कई लोग इसमें फैब्रिक वगैरह भी यूज कर लेते हैं और कई बार साइड से प्राइवेसी के लिए भी हम इसमें कर्टन्स वगैरह भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो मतलब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हम परगोलास के अंदर कर सकते हैं।
क्योंकि मेनली आजकल जो इनको घर में बनाया जा रहा है वो बनाया जा रहा है डिजाइन पर्पस से। तो नेक्स्ट आता है इसके मटेरियल्स कि हम कौन कौन से मटेरियल से हम परगोलास को बना सकते हैं। तो परगोलास के मटेरियल सिलेक्शन से पहले आपको इस चीज को कंसिडर करना पड़ेगा कि इसका जो भी आप मटेरियल सिलेक्ट करती हैं उसके ऊपर किसी भी तरीके का एनवायरमेंट का इफेक्ट ना हो, जैसे कि वो आउटडोर में मतलब खराब ना हो जाए। तो इसमें पहला मटेरियल जो आता है वो आता है वुड। वुड एक नेचुरल मटेरियल है और जो सबसे ज्यादा परगोलास के अंदर इस्तेमाल किया जाने वाला मटेरियल भी है। अगर आप अपने गार्डन में परगोला बनाने की सोच रहे हैं तो वुड एक बहुत ही अच्छा मटेरियल है। इसमें हम थर्मोपाइन को हम इस्तेमाल करते हैं परगोला बनाने के, और भी कुछ और भी टाइप की लकड़ियां हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बट बेस्ट जो है वो थर्मोपाइन है परगोला बनाने के लिए। और इसको यूज करने का एक एडवांटेज ये भी होता है कि अगर आप टेरेस गार्डन पे भी बना रहे हैं तो आपका बिल्डिंग का डेड लोड भी कम रहेगा अगर आप उसको वुड से बनाएंगे तो, क्योंकि वुड लाइट वेट होती है किसी भी मेटल के कंपैरिजन में। कि परगोलास को आप एल्यूमिनियम से भी बनवा सकते हैं, आप इसको आयरन से भी बनवा सकते हैं, और इसको आप कंक्रीट वगैरह की मदद से भी बनवा सकते हैं। और इनके अलावा और भी बहुत सारे मटेरियल्स आते हैं जिनसे आप परगोलास को बनवा सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि आपके एरिया में क्या रिक्वायरमेंट है और वहाँ पे कैसी एनवायरमेंटल कंडीशंस है। जैसे कि अगर हम अपने परगोला को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर हम MS का इस्तेमाल कर लेंगे। बाकी जहाँ पर आप अपने टेरेस वगैरह पे परगोला को बनाते हैं वहाँ पर आपको जो मटेरियल लेना पड़ता है वो लाइट वेट लेना पड़ता है। कॉस्टिंग को बताना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि जब तक मटेरियल डिसाइड नहीं होता किसी भी परगोला को बनाने का तब तक उसका कॉस्टिंग डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि अलग अलग मटेरियल का अलग अलग प्राइस है इसकी वजह से। बट मैं आपको बेसिक एक आइडिया बताऊं, अगर आप अपना वुडन टाइप का एक परगोला बनाना चाहते हैं और इस डिजाइन में बनाना चाहते हैं तो लगभग ये आपको 500 से लेके 700 रुपए पर स्क्वायर फीट तक पड़ सकता है। बाकी डिजाइन अगर डिफरेंट होगा तो इसका कॉस्टिंग बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। और हाँ, प्राइसिंग हमेशा आपकी इस चीज पर भी डिपेंड करती है कि आप कौन से एरिया में रहते हैं, वहां पर ट्रांसपोर्टेशन कितना ईजी है। तो चलिए, ये था हमारा वीडियो परगोलास के ऊपर। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ।